इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। दे रही हैं आप किस सर्वे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं? मैं मानता हूं कि हरियाणा में 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई नजर आती हैं। मुझे लगता है कि इनेलो को 1 सीट से लेकर 2 सीट तक मिल सकती है। कांग्रेस को इसी में वेरिएशन है, कांग्रेस को यदि उनको 1 मिलती है तो उसमें उस हिसाब से ऐसे करके कांग्रेस को 1 से 2 मिल सकती है। इससे ज्यादा और कुछ मुझे नजर नहीं आता। तो ये कुल मिलाकर के मैं इस सर्वे के साथ खड़ा हूं कि कांग्रेस हरियाणा में इस बार खत्म होती नजर आती है। दूसरी कौन सी सीट नजर आती है आपको कांग्रेस की? 1 तो रोहतक हो गई, दूसरी कौन सी नजर आती है आपको? दूसरी जो मुझे सीट लगता है जिसमें बहुत मुझे कांटे की टक्कर लगती है वो मुझे भिवानी सीट लगती है, क्योंकि वहां त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और त्रिकोणीय मुकाबले में लगता है कि वहां पर जिस ढंग से है तो उसमें कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि कांग्रेस ले भी जा सकती है वो सीट, क्योंकि पुरानी बंसीलाल के परिवार की सीट रही है, एक बंसीलाल के परिवार के प्रति लोगों का झुकाव है तो वो भी एक बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अब कितना मिलेगा ये तो कल ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी संभावना है उसी सीट पर दोबारा लग। ठीक है अजय जी, आप रहे कृपया हमारे साथ। इससे पहले कि हम अपने राजनीतिक पैनल की तरफ बढ़े, हम थोड़े दावे सुने, हम थोड़ा जोश देखें, हम कल इतिहास बनने की बातें सुने, इससे पहले हम जरा शक्ति परवार के पास चलेंगे। शक्ति, हमें अपने कार्यक्रम पे एक एक सीट का विश्लेषण करना है। इंडिया न्यूज हरियाणा 10 तारीख को जब वोटिंग हुई थी उसके बाद लगातार 1 हफ्ते तक ये विश्लेषण करता रहा है अपने दर्शकों के लिए कि कहां किसकी कैसी पोजीशन दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले ओवरऑल हम आपसे समझना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में क्या स्थिति बनने जा रही है। कल जो इतिहास देश का लिखा जाना है उसमें हमारे प्रदेश की हिस्सेदारी कैसी होगी, कितनी होगी, जिस बात के दावे किए जा रहे हैं तमाम राजनेताओं, राजनीतिक दलों और एग्जिट पोलों तक कि बीजेपी आज का गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरेगा, एक तरह से सुपड़ा साफ हो सकता है, 9-10 सीटें तक मिल सकती हैं, ये दावा सही है, या कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को 4 से 5 सीटें दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा चूंकि प्रयोगशाला रही है इसलिए हरियाणा में आप कांग्रेस पार्टी को उतना कमजोर मत समझिए, चाहे जितनी मोदी लहर चल रही हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस ये कह रही है कि हमने अपनी जमीन खूब ढंग से ठोक बजा के तैयार की है, 2 सीटों पर हमारा दावा था, हमने लानत मनानत झेली लेकिन हम ये 2 सीटें जीतेंगे। इनेलो ये दावा कर रही है कि इस बार हमारे नेता जेल में है, वो सिंपैथी हमारे साथ है, साथ ही साथ हमारा गठबंधन सबसे, हमारा संगठन सबसे मजबूत है, इस बात का फायदा हमें मिलेगा। इन तमाम दावों के बीच में जो आपका विश्लेषण है वो क्या बताने जा रहा है, हमारे दर्शक क्या समझें, कल ईवीएम से क्या नतीजे बाहर आएंगे? जी बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, 10 अप्रैल को चुनाव हुए थे हरियाणा में, जब से सब लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब नतीजे आएंगे, अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे कुछ मित्र हैं वो तो ये भी कह रहे थे कि इतना इंतजार तो हमने शादी का भी नहीं किया जितना हम इन नतीजों का कर रहे थे। तो कल जैसे ही डब्बे खुलेंगे तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले नतीजे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात इन चुनावों में ये रही कि अभी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, तो उसमें ये चर्चा हुई कि हार की वजह क्या रहेगी, चर्चा इस बात पर ही भीतरघात कहाँ कहाँ हुई है और हार की वजह क्या है, क्यों कांग्रेस को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुबह संदीप दीक्षित का भी, जो पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उन्होंने भी ये साफ साफ कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा और बहुत अच्छे नतीजे नहीं आने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही संकेत दिए हैं। एक तरह से कांग्रेस ने तो हार मान ली, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी भी जब 10 अप्रैल को मतदान हुआ था उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि, जैसे संपत सिंह जी हैं, एक दो और उम्मीदवार हैं, उन्होंने, उनको साफ साफ दिखाई देने लगा था कि नहीं भाई हम तो लड़ाई में ही नहीं हैं, एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इस तरह से देखा जाए तो विश्लेषण के तौर पर अगर 10 के 10 सीटों पर हम देखें तो बहुत ही, यहाँ पर जो 1-2 सीटों को अगर देखते हैं तो कांग्रेस फाइट से बिल्कुल पूरी तरह से बाहर है।
कांग्रेसी खुद मान रहे हैं कि वो सिर्फ भिवानी और रोहतक में फाइट में है, क्लोज फाइट में है वो भी, और कॉन्फिडेंस नहीं है उनको जीत का इन दोनों सीटों पर भी। खुद मुख्यमंत्री हुड्डा को भी रोहतक का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वहां पर भी क्लोज फाइट मानी जा रही है और नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, कोई चमत्कार भी रोहतक में हो सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक भी मान रहे हैं और पार्टियां भी जो अपना आकलन अपना चमत्कार किसके पक्ष में हो सकता है, चमत्कार धनखड़ साहब के जीतने का या फिर दीपेंद्र हुड्डा के हारने का, हम चमत्कार कल कहेंगे किसे? चमत्कार ओम प्रकाश धनखड़ की जीत को हम कहेंगे क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ ने पिछला जो विधानसभा चुनाव दादरी में लड़ा था उनको बहुत अंडरएस्टिमेट माना जा रहा था, जब उनको टिकट मिली थी तो कह रहे थे कि नहीं हुड्डा साहब तो ऐसे ही जीत जाएंगे, तो बहुत डमी कैंडिडेट दे दिया इन लोगों ने। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, प्रचार हुआ और जब लोग मतदान करने आए और उसके बाद जो रुझान आए, जो सर्वे हुए, जो एग्जिट पोल हुए, तब असलियत पता चली कि नहीं ये तो अंडरकरंट था और यहाँ पर कुछ उलटफेर होने की भी संभावना है। और इसी आशंका के चलते कुछ कांग्रेसी परेशान भी हैं, उनको लगता है कि अगर रोहतक का दुर्ग ढह गया जो कि राजनीतिक राजधानी भी हरियाणा की, तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पर कांग्रेस को और हुड्डा साहब को उठाना पड़ सकता है। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे चुनाव में रही सोनीपत को लेकर है, तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो ये कहते रहे थे इस लोकसभा चुनाव से पहले कि नहीं भाई जो ताकत है सीएम हुड्डा की वो रोहतक और सोनीपत को उन्होंने ऐसा पका दिया है कि ये तो टूट ही नहीं सकता, ये तिलिस्म है कांग्रेस का, यहाँ से वो 20-25-30 सीटें निकाल लेंगे और बाकी इधर उधर से 10-5 सीटें आ जाएंगी, उनको कोई रोक ही नहीं सकता जो उनका रथ है। लेकिन जिस तरह से सोनीपत के रुझान आए, सोनीपत का एग्जिट पोल आए, तो तमाम विश्लेषक और एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि सोनीपत में कांग्रेस लड़ाई से बाहर है और वहां पर बीजेपी और इनेलो की लड़ाई बताई जा रही है, तीसरे नंबर पर भी कांग्रेस जा सकती है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से ये मुझे लग रहा है पूरी तरह से जो मोदी का अंडरकरंट है उसने काम किया है और एक सत्ता विरोधी लहर जो कांग्रेस के खिलाफ बनी थी वो पूरी तरह से बढ़ती गई, उसको सहन नहीं लगा पाई कांग्रेस, लास्ट तक जो उनकी रणनीति थी वो सही दिशा में नहीं हो पाई और यही वजह है कि जो नतीजे हैं चौंकाने वाले होंगे। खासकर हिसार सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र लगी हुई है, राजनीतिक जितने भी विश्लेषक हैं वो काफ़ी वहाँ पर सत्ता बाजार में भी और जितने लोग हैं जो राजनीति में जानकारी रखते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं हरियाणा की राजनीति में, वो तमाम विश्लेषक और ऐसे लोग यही चर्चा कर रहे हैं, पहले 10 अप्रैल से ही चर्चा जारी है और उससे पहले भी यही चर्चा ही जब मतदान नहीं हुआ था कि आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है हिसार में जीतेगा कौन। हिसार का मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट है हिसार की, और हिसार की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मार्जिन है बहुत कम रहेगा, जो 6 कॉन्स्टिटेंसी हैं उनमें कुलदीप बिश्नोई की हिसार में जो 6 कॉन्स्टिटेंसी हैं मैं आपको बता दूं कि भवानी खेड़ा, हांसी, नलवा, आदमपुर, हिसार शहर और उकलाना, इवन उकलाना में भी ये कहा जा रहा है बरवाला उकलाना में भी कुलदीप बिश्नोई का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। नारनौद और उचाना कला 2 ऐसी कॉन्स्टिटेंसी हैं जिसमें इतनी बड़ी लीड बताई जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं दुष्यंत चौटाला की, वो बाकी की जो 6-7 तो देखा जाए तो उस हिसाब से उनको उनके बराबर कर सकते हैं। ऐसे में ये दिलचस्प मुकाबला कल हम जब नतीजे सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर देखेंगे तो हमने चप्पे चप्पे पर अपने रिपोर्टर्स लगाए हुए हैं, एक एक कॉन्स्टिटेंसी पर हमारी बारीकी से नजर रहेगी, हम देखेंगे कि उचाना कला में और बरवाला, उचाना कला, बरवाला और उकलाना में वो कितनी लीड बना पा रहे हैं और नारनौद में क्या रहने वाला है। इसलिए क्या रहने वाला हरियाणा के नजरिए से आपके विश्लेषण को अगर हम देखें तो कांग्रेस के नजरिए से रोहतक और सोनीपत पे निगाहें टिकी होंगी और इनेलो और हजका के नजरिए से हिसार सीट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लगातार अपनी चर्चाओं में ये कहते रहे हैं कि ये 2 राजनीतिक परिवारों का भविष्य तय करने वाली सीट है। कल नतीजे जिसके पक्ष में जाएंगे भविष्य उसके पक्ष में कुछ दिखाई देगा। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक ये सिर्फ विश्लेषण है, कयास है, अंतिम तस्वीर आपके सामने कल होगी और कल अंतिम तस्वीर को सामने लाने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने विशेष इंतजाम किए हैं। सबसे पहले सबसे सटीक खबर आपको मिलेगी कि आपके इलाके में आपका उम्मीदवार चाहे वो जिस भी पार्टी का हो वो कितने वोटों से आगे पीछे चल रहा है। सुबह 6 बजे से आप इंडिया न्यूज हरियाणा देखना न भूले, हर एक विधानसभा पर हमारे संवाददाता वहां से खबरें देने के लिए हमें तैनात होंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के उस पार हम अपने राजनीतिक पैनल से चर्चा करेंगे कि बीजेपी का जो दावा है मोदी लहर के अलावा उसका आधार कहां बनता है, कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों इतनी सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्यों प्रदर्शन इतना खराब है। मुख्यमंत्री हुड्डा ये तो कह देते हैं कि नतीजों में कमी आएगी, लेकिन वो कमी आएगी क्यों,
क्या भितरघात के अलावा इस बात का भी विश्लेषण पार्टी के भीतर हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इंडियन नेशनल लोकदल से कि क्या इस बार खाता खुलेगा, अगर खुलेगा तो उसकी मार, उसका जोर कितना होगा? क्या इंडियन नेशनल लोकदल 2 से 3 सीटें जीतने जा रही है या फिर 1 सीट पर भी उसको साख बचाना मुश्किल पड़ जाएगा? छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहा है।